दोस्त, इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएलसी अल्टिमा का। पीएलसी अल्टिमा में कैसा आपको अभी मूवमेंट देखने को मिलता है, क्या इसका सपोर्ट जोन है, क्या इसका रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली यहाँ पे देखिए, हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या पीएलसी अल्टिमा अपनी रिकवरी कर सकता है। अगर रिकवरी करेगा तो कब तक अपनी रिकवरी कर सकता है, क्या आपको यहाँ एंट्री पॉइंट देखने को मिलेगा, क्या कुछ आपको यहाँ टीए देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। तो दोस्तों, यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए, अगर हम यहाँ पीएलसी अल्टिमा के ओवरव्यू की बात करें तो इसके रैंकिंग आपको 2944 नंबर पर देखने को मिलता है। प्राइस की बात करें तो $450 के रेंज में आप देख सकते हैं, यहाँ पे 8% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। अगर इसके हम 24 आवर के फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको $437 से लेके $476 के रेंज में देखने को मिलता है। मार्केट कैप मेंशन नहीं किया हुआ है। 24 आवर में इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम आपको 5,40,000 देखने को मिलती है। सर्कुलेटिंग सप्लाई मेंशन नहीं करी हुई है। मैक्सिमम सप्लाई 11 मिलियन है और टोटल सप्लाई 1 मिलियन आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। अगर इसके हम इन्फो की बात करें तो इसके इन्फो में आपको इसका वेबसाइट मिल जाएगा, आप यहाँ विजिट करके इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। इसकी कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर हैंडल को ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। अब अगर इसके 24 आवर के हम प्राइस चार्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली आपको यहाँ डाउनफॉल देखने को मिला है। अगर इसका हम एनुअली चार्ट देखें तो इसमें भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि जब से इसकी लिस्टिंग हुई है तब से आपको कंटिन्यूसली इसका जो प्राइस है वो डंप होता हुआ देखने को मिला है। तो इसके बारे में मैंने बहुत पहले आपको अपने वीडियोस में अपडेट किया था। अब अगर इसके हम एक्सचेंज की बात करें तो अभी देखिए, इसकी जो लिस्टिंग है वो आपको 11 एक्सचेंज पे देखने को मिलता है। अगर हम ट्रेडिंग वॉल्यूम के एंगल से बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको यहाँ कॉइंसबिट पे देखने को मिलता है, और बाकी जो हमारे BKX एक्सचेंज है, मैक्सी ग्लोबल है, इस पर आपको थोड़ा देखने को मिलता है। तो अगर आप यहाँ अपने कॉइन को सेल करना चाहें तो आप चूज़ करें मैक्सी ग्लोबल को या फिर बिटमार्ट को, क्योंकि एज कम्पेयर टू कॉइंसबिट के यहाँ पे ट्रांजैक्शन फीस कम लगती है। अब देखिए, ये तो न्यू वाला पीएलसी अल्टिमा हो गया। जिन लोगों ने यहाँ पे 1.5 लाख की रेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट करी है वो है अभी के डेट में पीएलसी अल्टिमा क्लासिक। तो पीएलसी अल्टिमा क्लासिक का प्राइस आपको यहाँ पे $80 के रेंज में देखने को मिलता है। 2.1% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। अगर इसके हम 24 आवर के फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 71 से लेकर $90 के रेंज में देखने को मिलता है। मार्केट कैप सिर्फ 1 लाख का रेंज आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। अगर इसके हम 24 आवर में ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो आप यहां देख सकते हैं कि जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो आपको 3,23,000 देखने को मिलता है। सप्लाई की अगर हम बात करें तो ये दिन पर दिन बढ़ रही है, मतलब जो पीएलसी अल्टिमा है क्लासिक वाली, इसकी मिंटिंग यहां पे हो रही है, लोगों को टोकन्स मिल रहे हैं, जिस वजह से इसका जो प्राइस है वो और भी यहां पे डंप होगा। अगर इसके हम टोटल सप्लाई की बात करें तो यहां पे 1 मिलियन देखने को मिलता है। मैक्सिमम सप्लाई यहाँ पे 11 मिलियन है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैक्सिमम सप्लाई 11 मिलियन है, और अभी जो आपको यहाँ सर्कुलेटिंग सप्लाई देखने को मिलती है ये 1,294 पीएलसी अल्टिमा देखने को मिलता है। तो जब यहाँ टोटल की टोटल सप्लाई मार्केट में आएगी फिर आपको यहाँ पे डंपिंग देखने को मिलेगी। अब अगर इसके हम प्राइस चार्ट की बात करें तो प्राइस चार्ट में आप देख सकते हैं कि इसके फ्लक्चुएशन आपको बहुत माइनर से जोन में देखने को मिलता है। अगर हम इसका ईयरली चार्ट देखें तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि पीक रेंज से इसका जो प्राइस है वो डंप हुआ है। ये वाला वो टाइम था जब हमारे पास न्यू कॉइन आया था पीएलसी अल्टिमा एक्स, और इस टाइम में मैंने आपको बोला था कि आप लोग क्या करें, अपने कॉइन को सेल कर दें, क्योंकि इसके बाद से इसका जो प्राइस है वो दोबारा उठेगा नहीं। तो जैसे जैसे मैंने आपको अपडेट किया वैसे वैसे मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिला है, क्योंकि ये एक MLM बेस्ड क्रिप्टो करेंसी है। इस टाइप के प्रोजेक्ट हाई रेंज में बहुत रेयर ही जाते हैं, और यहाँ पे अगर हम बात करें इसके रिकवरी की तो इसकी रिकवरी के भी कोई पॉसिबल यहाँ पे मूव देखने को नहीं मिलते। इन्फॉर्मेशन में आपको सेम मिल जाएगा जो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पीएलसी अल्टिमा में देखने को मिलता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कॉइंसबिट पे, और देखते हैं हमें पीएलसी अल्टिमा और पीएलसी अल्टिमा क्लासिक में क्या देखने को मिलता है। तो दोस्त, आप देख सकते हैं अब हम आ गए हैं कॉइंसबिट एक्सचेंज पे। यहाँ पे हम पीएलसी अल्टिमा का पेयर देख रहे हैं यूएसडीटी के साथ। अगर इसके हम प्राइस की बात करें तो ये आपको $442 के रेंज में देखने को मिलता है, और कंटिन्यूसली देखिए यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर बढ़ रहा है, बायर बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। और जब यहाँ पे सेलर का प्रेशर बढ़ेगा फिर आपको यहाँ कंटिन्यूसली इसके प्राइस में और भी डाउनफॉल देखने को मिलेगा। मैंने अपने पिछली वीडियो में भी बताया था जब इसका प्राइस इसके रेंज में था कि इसका जो प्राइस है वो गिरते गिरते एकदम ख़त्म हो जाएगा। अब अगर इसका हम शॉर्ट टाइम इंटरवल देखें 4 आवर का, तो 4 आवर में जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट है
वो आपको यहाँ पे $380 का रेंज देखने को मिलेगा। तो जब हम यहाँ पे 380 वाले जोन को ब्रेक करेंगे, उसके बाद से नेक्स्ट जो आपको सपोर्ट है वो आपको 265 का रेंज देखने को मिलेगा। तो अभी भी देखिए आपके पास अच्छा मौका है अगर आप यहाँ अपने कॉइन को सेल करना चाहें। बाइंग तो आपने बिल्कुल भी नहीं करना। रीज़न क्या है कि इसमें दोबारा आपको जो रिकवरी देखने को नहीं मिलेगी, एजेंट और दलाल जो आपको यहाँ गुमराह करेंगे उससे क्या होगा कि उनको कमीशन मिल जाएगा उनका, और आपका पैसा यहाँ स्टक हो जाएगा। तो होप आपको यहाँ समझ आ गया होगा कि नेक्स्ट जो इसका स्पोर्ट है वो 380 के रेंज में देखने को मिलेगा। उसके ब्रेकडाउन के बाद आपको जो नेक्स्ट स्पोर्ट है वो 200 कुछ रेंज का देखने को मिलेगा। अब अगर यहाँ पे हम PLC अल्टिमा क्लासिक की बात करें, तो PLC अल्टिमा क्लासिक में आप देख सकते हैं कि जो मैंने आपको बताया था कि इसका जो प्राइस है वो आपको $100 के नीचे देखने को मिलेगा। तो हम आ चुके हैं $100 के नीचे। इसका जो बॉटम है वो आपको $60 का देखने को मिला है, और $60 के बॉटम के बाद थोड़ा सा आपको अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला है, मतलब एक बाउंस देखने को मिला है। अब जब दोबारा हमें यहाँ पे बेरिश मूवमेंट देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले हम यहाँ $60 वाले अपने जोन को ब्रेक करेंगे, और उसके बाद से हमारा जो ये स्पोर्ट जोन निकल के आएगा वो होगा यहाँ पे $40 का। मतलब अभी भी जो आप ये रेंज देख रहे हैं इससे हम यहाँ पे हाफ बच जाएंगे। तो मैं आपको फिर यहाँ पे रिमाइंडर दे रहा हूँ, अगर आप यहाँ अपने कॉइन को सेल करना चाहते हैं तो एक डेड कैट बाउंस का वेट करें। जब इनका इवेंट या कुछ इनका अपडेट आता है या फिर सेमिनार आता है एलेक्स का, उस टाइम में यहाँ पे एक डेड कैट बाउंस लगेगा। आप उस टाइम अपने कॉइन को सेल कर दें, रिकवरी का आप वेट मत करें। ये कभी भी $1,00,000 या $50,000 की रेंज में नहीं जाएगा, इवन ये आपको $10,000 की रेंज में भी देखने को नहीं मिलेगा। तो होप आपके ये वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।